हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस वन का राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस कर रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान का निर्माण, उसके बारे में उनका अर्थ वो मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान का क्या अर्थ होता है, भारतीय संविधान का निर्माण किया था वो संविधान सभा ने किया था, उसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान है उसको किसने बनाया था, उसका स्रोत है वो भारत की जनता है, किस प्रकार उसको शक्तियों का डिवाइड किया गया था, शक्तियों को बांटा गया था, कौन सी प्रणाली सज्जा सर प्रणाली को अपनाया गया था। आज हम जो करेंगे उससे संबंधित आगे एक नेक्स्ट एक टॉपिक आपका रह चुका है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, संविधान का एक उद्देश्य भी था। क्या उद्देश्य था भी? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। और भी आप कह सकते हो, जैसे जनता की आकांक्षा है, आकांक्षा होता है जो जनता के जो आवश्यकताएं होती है, जो उनकी इच्छाएं होती है, उनको पूरा कैसे किया जाए, ये भी संविधान का मैटर था। देखो, हमने संविधान का निर्माण कैसे किया जाए ये भी पढ़ा था। उसके बाद संविधान की जो अपने इनकी जो समाज स्थापना की जनता की आकांक्षा है उसको पूरा कैसे किया जाए, कौन पूरा करेगा। देखो, हमने पढ़ा था इसके लिए जो संविधान अपनी सरकार है, सरकार के तीन अंग थे, उसके अंदर एक थी व्यवस्थापिका, एक थी हमारी कार्यपालिका और एक थी न्यायपालिका। ये तीन अंग थे और ये तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तीनों अंगों में शक्तियों को इस प्रकार बांटा गया। उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था भी कोई अंग ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, यानी इन पर नियंत्रण कौन रखेगा, इस पर नियंत्रण कौन रखेगा। इसके अंदर मेटा ये होता है भी व्यवस्थापिका काम होता है कानून बनाना, व्यवस्थापिका काम होता है कानून बनाना, वो कानून इस प्रकार से बनाएगा, ऐसा कानून बनाएगा ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, ताकि जनता की जो आकांक्षा है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि हमारे संविधान में जो राज्य का जो प्रकृति रखी गई है, नेचर रखा गया है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है भी। राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था होनी चाहिए, यानी जनता का कल्याण करने वाली संस्था होनी चाहिए, इसलिए ऐसा कानून बनाएगा, इस प्रकार कानून का निर्माण करेगा जिससे क्या हो, पूरे समाज में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो और जनता की आकांक्षा की भी क्या हो, पूर्ति हो। उसके बाद नेक्स्ट, कार्यपालिका ऐसा डिसीजन लेगी, ऐसा निर्णय लेगी जिससे भी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, एक जनता की आकांक्षा के अकॉर्डिंग चल सके वो। क्योंकि इसके अंदर तो देखो, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है, जो एमपी होते हैं, जो व्यवस्थापिका सदस्य होते हैं, वो किस किस जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनकर आते हैं, यानी जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उनको चुनती है। जैसे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी को हम जनता खुद वोट देती है, जो वेशक मताधिकार होता है। वेशक मताधिकार वर्तमान में 18 वर्ष की उम्र का है, वेशक मताधिकार, वेशक मताधिकार है वर्तमान में कितने, 18 वर्ष का, यानी इसमें किसी जाति धर्म वर्ष के आधार पर भेदभाव नहीं होता। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसके अंदर वेशक मताधिकार के द्वारा क्या होता है, इनके अंदर प्रतिनिधि चुने जाते हैं और यहीं से मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जनता के सदन है, क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है, तो जनता की आकांक्षा पूरा करने का कर्तव्य भी इन्हीं का है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का जो उत्तरदायित्व है वो इन्हीं पर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार का निर्णय लेते हैं ताकि जनता की आकांक्षा पूरी हो सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। और न्यायपालिका इस प्रकार निष्पक्ष न्याय देती है, निष्पक्ष होता है किसी का पक्ष न लेना, यानी प्रूफ को देखकर एक सही निर्णय को, एक सही न्याय को जनता तक पहुंचाना, ठीक है। तो न्यायपालिका भी ऐसा न्याय की स्थापना करती है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना और जनता की जो आकांक्षा है, जनता के जो उद्देश्य है वो पूरे हो सके। तो यहाँ पर अब इनको पूरा कौन करेगा, इनको ये अंग करेंगे। और लेकिन ये साथ साथ में ये भी बात कही गई है भी किसी को भी एक को शक्ति नहीं दी गई, यानी टोटल व्यवस्थापिका को शक्ति दी है, तो व्यवस्थापिका तो ताना सही हो जाएगी। कार्यपालिका को शक्ति दी है, कार्यपालिका ताना सही हो जाएगी। अगर टोटल शक्ति हम न्यायपालिका को देते हैं, न्यायपालिका ताना सही हो जाएगी, ताना सही होती है अपनी मनमर्जी करना। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ये तीनों काम तो करेंगे, इनको पावर तो दी गई है, लेकिन साथ साथ में इन पर नियंत्रण भी किया गया है, नियंत्रण भी रखा गया है। देखो, व्यवस्थापिका अगर कोई ऐसा कानून बनाए, हम ये पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका यदि ऐसा कानून बनाए जो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, जनता के अकॉर्डिंग नहीं है, जनता के एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर रहा,
या वो मतलब एक भेदभावपूर्ण कानून है, तो उसको न्यायपालिका क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, यानी कार्यपालिका भी उस पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है, जैसे आप पढ़ते हो प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, काम रोको प्रस्ताव होता है, यानी इसके द्वारा ये क्या करती है, न्याय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है, यानी ये शक्तियों को संतुलन में बनाए रखती है, शक्तियों क्या रखती है, संतुलन में रखती है, ताकि कोई भी जो अंग है वो तानाशाही न हो जाए। इसकी जो शक्ति है इसको ये दोनों संतुलन में रखते हैं, इसकी शक्ति पर ये दोनों संतुलन में रखते हैं, और इसको ये दोनों संतुलन में रखते हैं, ताकि कोई अंग ज़्यादा तानाशाही या ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं देखो संविधान को नष्ट एक छोटी सी संस्था भी कर सकती है, ध्यान रखना, छोटी से छोटी भी संस्था कर सकती है, यदि उसको ज़्यादा पावर दे दी जाए, यानी अधिक शक्ति उसको दे दी जाए। अगर अधिक शक्ति मान लो विस्थापिका को दे दे, तो यह भी मनमर्जी से संविधान में परिवर्तन करके संविधान में तानाशाही हो सकती है, संविधान में संविधान को खत्म कर सकती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका सब कर सकते हैं ऐसा काम। इसीलिए क्या कह गया है, एक नियंत्रण के सिद्धांत को अपनाया गया है, एक संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, ताकि एक दूसरे, ये संविधान है हमारा वो नष्ट ना हो, हमारे जो उद्देश्य है एम है वो नष्ट ना हो, हमारे आदर्श है, हमारे मूल्य हैं वो बने रहे, उद्देश्य हमारे बने रहे, एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की जा सके। इसी कारण इन पर क्या है, साथ ही इनको पावर दी गई है, साथ में एक दूसरे पर ये क्या रखते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं, ताकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ज़्यादा पावरफुल होकर तानाशाही न हो जाए, अपनी मनमर्जी करनी शुरू न कर दे। ठीक है, इसी कारण हमारे संविधान में इसको अपनाया गया, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत है, साथ में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि ये अंग क्या बने रहे, संतुलन में बने रहे, कोई भी ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली न हो जाए। अगर एक ही अंग कहते हैं, अगर छोटी छोटी संस्था ही अगर शक्तिशाली हो जाए ना, तो वो भी नष्ट कर देती है। क्योंकि आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, लॉर्ड एक्टन व्यक्ति था एक, उसने कहा था जो शक्ति होती है ना वो बंदे को भ्रष्ट करती है, शक्ति बंदे को भ्रष्ट करती है, अगर उनको पूरी शक्ति दे जाए तो बंदा पूरा ही भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर कहा गया, अगर एक अंग को हम शक्ति दे देना तो भ्रष्ट हो जाता है, क्यों, वो शक्ति का गलत यूज करना शुरू कर देता है। अगर संपूर्ण शक्ति हम एक अंग को दे दें, चाहे वो छोटी सी संस्था है चाहे वो बड़ी संस्था है, अगर पूरी शक्ति उसको दे देना तो वो कंप्लीट भ्रष्ट हो जाता है, और वो क्या कर देता है, अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर देता है, और हमारे यहाँ संविधान है, हमारे जो शासन प्रणाली है उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इसी कारण हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अपना अपना काम ईमानदारी से करें, एक दूसरे कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे कार्यों को देखते हैं, चेक करते हैं, अगर कोई अंग असंतुलित हो जाता है या तानाशाही हो जाता है, या वो अपना जो कार्य करता है वो गलत तरीके से करना शुरू कर देता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो दूसरा अंग उस पर क्या लगा देता है, नियंत्रण लगा देता है, ताकि जो शक्तियाँ हैं वो संतुलित बनी रहें, यानी एक के पास इकट्ठी न हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर आपने तीन चीज़ पढ़ ली है, एक तो आपको न्यायपूर्ण समाज की बात हो गई, एक तीनों अंगों में नियंत्रण और संतुलन की बात हो गई, और साथ में आपको वयस्क मताधिकार की भी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं, देखो हमने संविधान के अंदर बहुत कुछ पढ़ा, संविधान होता है वो जनता का कल्याण करता है, संविधान होता है जो शक्तियों को बांटता है, संविधान ही है जो अन्य अंगों पर नियंत्रण रखता है, संविधान ही है जो कानून नियम सिद्धांत के अनुसार जो शासन प्रणाली चलती है उसके अनुसार चलती है। लेकिन ये लगभग क्या होती है, दस्तावेज जो संविधान होता है ना, ये सिर्फ किताबों में ही होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका कोई संस्था होती है वो क्या करते हैं, केवल इनका गलत यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मैटर होता है भी, संविधान बनाना एक बड़ा मैटर नहीं है, बल्कि उसको उचित तरीके से लागू करना भी बड़ा मैटर है। भी कानून तो हम बना देते हैं, परिवार के अंदर देख लो, परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कानून बना देते हैं भी, आपको इस तरह चलना है, ये करना है, वो करना है, जब तक उसको हम फॉलो नहीं करते, जब तक उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हम, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। स्कूलों में कानून बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल सर के इसको कानून बनाते हैं, जो संस्थाएँ होती है, जो मैनेजमेंट होती है वो कानून बनाती है, लेकिन जब तक उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हम, तब तक वो कानून नियम हमारे कुछ काम के नहीं होते। होते हैं क्या, भी हमने कानून तो बना दिया, नियम बना दिए, सिद्धांत बना दिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम चलते ही नहीं हैं, तो फिर तो अपने वो नियम कानून सिद्धांत सिर्फ धरे रह जाएंगे, कोई काम के नहीं है, हमने जो उद्देश्य जो फिक्स किए थे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे हम। देखो हम घर में जब पढ़ते हैं टाइम टेबल लगा देते हैं दीवार पर बड़ा सा लिखकर बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन जब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं, कहते टाइम तो लिखा है भी हम 4 बजे पढ़ना शुरू कर देंगे, सुबह उठते 8 बजे हैं, शाम को 2 बजे तक 12 बजे तक पढ़ेंगे, सो 7 बजे जाते हैं, तो
तो वो तो फिर अपने टाइम टेबल जो कानून सिद्धांत है बनाने का, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम जो उद्देश्य हमने सोच रखा है अभी इतना पढ़ने के बाद हम फर्स्ट डिवीजन लेके आएंगे, 90% नंबर लेके आएंगे या 90+ तक हम पहुंच जाएंगे, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? टाइम टेबल बनाने से थोड़ी पहुंचेंगे, उसको हमें एक बढ़िया तरीके से लागू भी करना है, ये सिद्धांत है। अब उसको लागू करने के लिए कुछ तरीके हैं भी, उसको किस प्रकार से लागू किया जाए ताकि जो सिद्धांत है, जो कानून है, वो नियम है, वो बढ़िया तरीके से हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे कर सके। तो सबसे पहले है संविधान का लागू जो होता है, संविधान को लागू कैसे किया जाए। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा है संविधान को लागू करने में जो पहले राजा थे, राजतंत्र के थे, उसके अंदर भेदभाव पूर्ण था, उनके कानून, उनको जनता विश्वास नहीं करती थी, जनता तोड़ती थी उनको, जनता उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, उनको लगता था ये भेदभाव पूर्ण है कानून। या आप कह दो भी कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कानून बनाए थे जिनको लोगों का पर विश्वास ही नहीं था। जैसे मान लो मैं कानून बना रहा हूँ, मेरे पर जनता विश्वास ही नहीं करती, क्या मेरे कानूनों को वो फॉलो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी जिस पर जनता का विश्वास होता है, जिस पर जनता जिनकी बात मानती है, अगर वह कानून बनाए, अगर वो संविधान का निर्माण करे, तभी तो संविधान को बढ़िया तरीके से लागू किया जा सकता है, जनता उसको मतलब विश्वास कर सकती है। हम अगर बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण किया था वो संविधान सभा ने किया था, किसने किया था? संविधान सभा ने, और 26 नवंबर 1949 तक इसको कंप्लीट कर लिया था। अब भारतीय संविधान को जब लागू किया था, जिन लोगों ने लागू किया था उस पर जनता विश्वास करती थी। देखो हम ये कह सकते हैं हमारे भारतीय जो संविधान सभा की एक कमी भी थी, कमी क्या थी? इनका जो निर्वाचन हुआ था ना, इलेक्शन हुआ था, वो प्रत्यक्ष मताधिकार पर नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष। जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत हुआ था, और उसके अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता ने वोटिंग नहीं की थी, ये कमी थी, जनता ने वोटिंग नहीं की थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे वो लगभग जनता के संपर्क वाले थे, जनता उन पर विश्वास करती थी, जैसे अम्बेडकर थे, नेहरू है, जो भी जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने जनता में रहकर काम किया था, जनता के साथ उन्होंने आंदोलन किए थे, तो जनता उन पर विश्वास करती थी। और जब उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और संविधान का निर्माण कर उसको लागू किया, तो जनता ने उस संविधान पर क्या कर लिया? जल्दी से विश्वास कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जनता उन व्यक्तियों पर विश्वास करती थी, वह व्यक्ति थे, वो एक गुणशाली व्यक्ति थे, उन वह जनता के प्रतिनिधि थे, यानी जनता के तरफ से वो आए थे। इसी कारण जनता ने क्या किया, उनको जो संविधान बनाया था उन्होंने, मैंने अभी उदाहरण दिया था ना, कई बार होता है, कई बार ऐसे व्यक्ति मिलकर संविधान बना लेते हैं, इस पर जनता का विश्वास नहीं होता, तो वो संविधान जो कानून नहीं है वो धरे रह जाते हैं, उन पर जनता कभी फॉलो करती नहीं है, उनके अनुसार कभी नहीं चलती जनता, क्यों? जनता का जो कानून बनाए हैं उन बनाने वालों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पर संविधान सभा के जितने सदस्य थे, मेंबर थे, उस पर जनता का विश्वास था, क्योंकि वो जनता के साथ लेकर चलते, जनता को साथ लेकर, जनता की हर बात को वो एक्सेप्ट करते थे, और जो जनता कहती थी उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है, कानून नियम सिद्धांत बनाते थे, यानी जनता को साथ लेकर चलते थे। इसी कारण जनता ने क्या है, हमारा संविधान जैसे ही लागू हुआ था वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके जो कानून है, नियम है, सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया। तो पहला तो यही है भी संविधान को लागू करने वाले कौन है, इस संविधान नियम सिद्धांत को लागू करने वाले कौन है, जिसके कारण हमारा जो सिद्धांत है, जो संविधान है, वो एक सफल संविधान बन सके। और सफल संविधान बनने के लिए तो ये देखा जाता है कि उसको बनाने वाला कौन है, उसको लागू करने वाला कौन है। अगर बनाने वाला, लागू करने वाला जनता का लोकप्रिय है, तो जनता उसको अकॉर्डिंग फॉलो, उसके अकॉर्डिंग चलेगी, उसको फॉलो करेगी, उसके अनुसार चलेगी वो, ठीक है, उसके कानून के नियम के सिद्धांत को मानेगी, उस पर विश्वास करेगी। यदि उसको बनाने वाले, लागू करने वाले ऐसे व्यक्ति, इसका जनता का विश्वास ही नहीं है, जिन पर जनता विश्वास ही नहीं करती, जिन पर अगर ऐसे लोग कानून बनाकर, सिद्धांत बनाकर, संविधान बनाकर लोगों को लागू करके उनके पास कानून पहुंचा दे, तो जनता उन कानूनों को तोड़ेगी, कभी उसके अनुसार नहीं चले। क्यों? क्योंकि जनता को विश्वास ही नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र विश्वास पर चलता है। हम कोई सिद्धांत बनाते हैं, कोई कानून हमारे बनता है, हम इसलिए उस पर फॉलो करते हैं, इसलिए उसको मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो सभी पर समान रूप से लागू होता है।
यदि कोई कानून है जो किसी और पर अलग प्रकार से लग रहा है, हम पर और प्रकार से लग रहा है, अमीर व्यक्ति पर अलग तरीके से लग रहा है, गरीब व्यक्ति पर अलग तरीके से लग रहा है, ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति उस कानूनों को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो भेदभावपूर्ण है। अगर वही कानून सब पर समान रूप से लागू है तो हम सब मानेंगे उसको, क्योंकि हमें पता है चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो एक कॉमन पर्सन है, एक सामान्य व्यक्ति है, उस पर भी वो नियम लागू होता है, तब जाके हम उस कानून को मानते हैं, क्योंकि उस पर हमारा विश्वास होता है। तो पहला मैटर होता है भी संविधान को लागू करने वाले कौन है, जिसके कारण संविधान एक सफल संविधान के रूप में क्रियान्वित हो सके। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। इसके अंदर दूसरा होता है संविधान के सफलता के लिए, संविधान में मौलिक प्रावधान क्या है। मौलिक प्रावधान यानी मेन मेन बातें क्या रखी गई है संविधान में। हमारे यहाँ पर जो मूल प्रावधान था ना, जो मूल बात थी वो थी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जनता का विकास करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। अगर एक व्यक्ति को अगर ऐसा लगे भी मैं इस कानून को मानूंगा तो मेरा विकास होगा, तो क्या वो व्यक्ति मानेगा नहीं क्या? बिल्कुल मानेगा। और संविधान है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए सभी व्यक्ति और सभी संस्थाएं इसलिए संविधान को मानती है क्योंकि उसको पता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, इस संविधान को मानेंगे, इस नियम सिद्धांत इन कानूनों के अनुसार चलेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, हमारा कल्याण होगा, तब जाके एक सफल संविधान का निर्माण किया जा सकता है, सफल संविधान का निर्माण किया जा सकता है। यदि उसके मौलिक प्रावधान ही ऐसे हो, अगर किसी के मौलिक प्रावधान ही ऐसे हो, कैसे, जिसके अंदर भेदभावपूर्ण हो, किसी का विकास हो रहा है या कोई धर्म के अकॉर्डिंग संविधान बनाया गया हो, या किसी जाति के सिर्फ जाति का विकास किया जा रहा है, किसी जाति विशेष, किसी भाषा विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का ही अगर विकास किया जा रहा है, बाकियों का नहीं किया जा रहा, तो क्या उस पर सभी विश्वास करेंगे? क्या नहीं करेंगे, वो कानून कभी नहीं चल पाएगा, कभी भी वह सिद्धांत सफल नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांत की सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि उसके मौलिक प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं, उसके अंदर मूल क्या रखे गए हैं। और हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है, जो अमेरिका का ये अमेरिका का संविधान है वो सबसे ज़्यादा सफल संविधान माना जाता है, क्योंकि उसको बनाने वाले, उसको लागू करने वाले और उसके जो मौलिक प्रावधान थे वो जनता के अकॉर्डिंग थे, जनता के अनुसार थे और जनता ने उस पर विश्वास किया था, जनता ने क्या किया था, उन पर विश्वास किया था, इसी कारण जनता उस सिद्धांत को, उस संविधान को बढ़िया तरीके से मानना शुरू कर दिया था और उनके कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया था। यानी किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं था, सभी उस कानून पर, उस जो भी मैटर था उस पर विश्वास करते थे। यह तो हमारा दूसरा था भी संविधान में मौलिक प्रावधान क्या क्या रखे गए। उसके बाद थर्ड आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब आती है बात तीसरे नंबर की, जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं उनकी संतुलित रूपरेखा क्या है, संतुलित रूपरेखा कैसी है। देखो ये चीज हम कर भी चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। संतुलित रूपरेखा की बात होती है कैसे भी, किस प्रकार ये संस्थाएं आपस में संतुलित रहती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक छोटी सी संस्था भी अगर उसको ज़्यादा पावर मिल जाए ना, ज़्यादा शक्ति मिल जाए या उसके पास अधिक शक्तियाँ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकती है, भ्रष्ट हो सकती है, वो क्या कर सकती है, पूरे संविधान को नष्ट कर सकती है। तो इसी प्रकार संविधान बनाते वक्त उसको किस प्रकार संतुलित रखा गया है, ताकि कोई भी उसको नष्ट न कर पाए, कोई भी उसको समाप्त न कर पाए और कोई भी संस्था इतनी प्रभावशाली ना हो जाए कि वो मनमर्जी अपने संविधान में परिवर्तन कर ले, मनमर्जी निर्णय लेना शुरू कर दे, मनमर्जी कानून में परिवर्तन, कानून खत्म करना, अपना सब कुछ चलाना, मनमर्जी चलाना, तानाशाही हो जाना, ऐसी स्थिति न हो जाए। तो हमारे भारतीय संविधान में जो संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी एक संतुलित रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों संतुलित ले सके, एक दूसरे पर वो क्या अतिक्रमण न कर ले, ऐसे ना हो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका पर अतिक्रमण कर ले, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर अतिक्रमण करे और न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर अतिक्रमण कर ले, ऐसी स्थिति न हो पाए। इसका मतलब कोई भी अंग तानाशाही न हो पाए,
कोई भी अंग इतना पावरफुल ना हो जाए भी बाकी अंगों का काम भी वो छीन ले, ठीक है, और संविधान को नष्ट कर दे। तो सबसे दूसरी तीसरी बात हमारे संविधान में ये देखी गई है, भी प्रत्येक देश के संविधान में देखा जाता है भी संतुलित रूपरेखा कैसे बनाई जाए, और भारतीय संविधान में जो संतुलित रूपरेखा बनाई गई है वो नियंत्रण और संतुलन की, यानी नियंत्रण रखते हैं। कौन नियंत्रण रखता है? विस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे अंग पर नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे अंग को देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं भी कोई अंग ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। देखो मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्थापिका को एक अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, तो व्यवस्थापिका तो क्या कर सकती है, संसद होती है वो संविधान में संशोधन करके शक्तियाँ छीनती जाएगी। संविधान में परिवर्तन किया, कार्यपालिका की शक्ति ली, संविधान में परिवर्तन किया, न्यायपालिका को मनमर्जी से डाल लिया, इसका मतलब देश में तो फिर कोई जनता के कल्याण की तो बात ही नहीं होगी। विस्थापिका तानाशाही होती जाएगी, विस्थापिका अधिक अधिकार प्राप्त करती जाएगी, अधिक शक्तियाँ लेती जाएगी, जब उसके ज़्यादा पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाएगी फिर वो अपनी मनमर्जी कराने शुरू कर देगी। तो इससे तो हमारा जो संविधान का जो मेन उद्देश्य था जनता का कल्याण, जनता का विकास, वो तो रुक जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हमारे जो उद्देश्य हैं जो संविधान में एम रखे गए हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए एक संतुलित रूपरेखा की तैयार की गई है, तभी तो हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें पता है कोई भी अंग तानाशाही नहीं है, हमें पता है कोई भी अंग मनमर्जी नहीं कर सकता, सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, सभी अंग संतुलित में रहते हैं। जिनका काम कानून बनाना होता है वो देखो, जहाँ पर संविधान लिखा होता है ना, जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है इस देश में, संघात्मक शासन प्रणाली, और इंडिया में संघात्मक शासन प्रणाली हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर जो काम होता है वो टोटल संविधान के अकॉर्डिंग होता है, यानी संविधान का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, जो संविधान में लिखा है वो अंग उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे संविधान में व्यवस्थापिका को जो पावर दी गई कानून बनाना, तो वो कानून तक सीमित रहेगा, कानून बनाएगा, लेकिन वो कानून बनाते वक्त ये ध्यान रखेगा भी कहीं ना कहीं संविधान का अतिक्रमण ना हो जाए। अतिक्रमण भी संविधान में तो वो उल्लेखित ही नहीं है बात, और व्यवस्थापिका उस पर कानून बना रही है, कभी नहीं बना सकती। और ये भी मैटर अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई मान लो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कानून बनाना है लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ, तो व्यवस्थापिका को पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो बात संविधान में लिखनी पड़ेगी व्यवस्थापिका को, और लिखने के बाद ही वो क्या कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। अब ये भी मतलब नहीं है जब उसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिल गई तो मनमर्जी संशोधन करे और पावर अपने पास ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि वो मान लो संशोधन कर रही है वो, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, और बहुमत मिल नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि अगर वो गलत चलेगी तो बहुमत थोड़ी मिलेगा उसको, समझ रहे हो बात। संविधान में संशोधन कर रही है वो अगर, और इसके अगर हम एक बात और करें तो इसके मैं थोड़ा सिलेबस से हटके बता रहा हूँ आपको, थोड़ा वैसे ही देख लेना। देखो 24 अप्रैल 1973 को एक विवाद आया था, केशवानंद भारती केरल विवाद, ये विवाद आया था। इस विवाद में न्यायपालिका ने एक बात स्पष्ट की थी, देखो व्यवस्थापिका जो संसद है वो क्या कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है, व्यवस्थापिका संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करते वक्त उसको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो कौन सी बात, मूल ढांचा, यानी हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा कौन कौन सा है, मौलिक अधिकार है, उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, हमारे जो निर्वाचन की विधि है, जो भी कुछ हमारे जो मूल जो बेस है हमारे संविधान का, हमारे शासन प्रणाली का जो आधार है, जो बेस है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया न्यायपालिका ने, कि वो परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती। हमारा जो मूल ढांचा है, जो जब संविधान बनाया गया था और जो संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे, उनके जो मेन आकांक्षा थी, जो मेन उनके उद्देश्य थे, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है तो उसको लोक कल्याणकारी रखना पड़ेगा, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है न्यायपालिका ने क्या किया, एक संतुलित रूपरेखा भी तैयार कर दी संविधान ने, यानी व्यवस्थापिका पर कुछ नियंत्रण भी लगा दिया, कार्यपालिका पर भी नियंत्रण लग गए, वो भी अपनी मनमर्जी से निर्णय डिसीजन नहीं ले सकती, न्यायपालिका पर भी कुछ नियंत्रण है, यानी कहने का मतलब है इन तीनों अंगों में एक संतुलित रूपरेखा तैयार की गई है संविधान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यानी ये तीन चीज़ होगी तभी एक सफल संविधान का निर्माण किया जा सकता है, सफल संविधान को जनता तक पहुँचाया जा सकता है, और इसी के द्वारा जनता उस पर विश्वास करती है, उन कानून सिद्धांत नियमों पर चलती है। क्यों? क्योंकि जो भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जो सिस्टम होता है वो जनता के विश्वास पर चलता है, ठीक है। यदि जनता विश्वास करती है तो भी उस कानून को फॉलो करती है, डर से नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी है जो डर होता है वो तानाशाही में होता है, राजतंत्र में होता है,
वहाँ पर राजा का दंड का व्यय होता है, तब जाके हम कानून को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने विश्वास से, क्योंकि उसके अंदर सर्वहित छुपा होता है, सर्वहित होता है सभी का हित, सभी का कल्याण, हमें पता है अगर इन कानूनों को हम चलेंगे तो हमारा ही कल्याण है, पूरे समाज का कल्याण है, मेरे परिवार का कल्याण। जब मेरे को पता है भी मैं ये कानून चलाने से मेरा कल्याण होता है, मेरे परिवार का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, ऐसी स्थिति में उस कानून को मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ, उस कानून को लागू भी करता हूँ। तो कहने का मतलब है, एक सफल संविधान इसको करने के लिए, एक तो उसको लागू करने वाले कौन है, एक इसके अंदर जो मूल प्रावधान कौन से थे, एक एक संतुलित रूपरेखा क्या अपनाई गई है, इसकी बात हमारे संविधान में कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, बात करते हैं संविधान सभा का स्वरूप के साथ। आप फिर देखो, हम बार बार कहते हैं संविधान सभा, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, कैसी थी संविधान सभा। मैं इसके बारे में एक तो बता देता हूँ, इसका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, जनता ने वोटिंग नहीं की थी। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे भी जो संविधान सभा का निर्माण होगा ना, वो जनता के द्वारा होगा, जनता प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन करेगी। लेकिन उस टाइम की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जनता शिक्षित नहीं थी। अगर जो अशिक्षित जनता को अगर हम वोट देने का अधिकार देते तो वो तो गलत बंदे भी चुन सकते थे। लोगों को जानकारी नहीं थी इतनी इलेक्शन की, क्यों अंग्रेजों ने कभी वोट देने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को दिया ही नहीं। इसी को देखते हुए जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने कहा था भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। उसको कैसे रखा गया था? उसको रखा गया था भी जो प्रांत थे, प्रांत वो थे प्रांतों से, यानी जो जन जो अंग्रेजों के स्पष्ट रूप से उसके नियंत्रण में थे, यानी खुद अंग्रेज चलाते थे जिनको, वहाँ से उन्होंने कहा था भी टोटल 292 सदस्य मेंबर है वो बनकर आएंगे, ठीक है, 292 सदस्य वहाँ से चुनकर आएंगे जो प्रांतों से आएंगे। उसके बाद कहा था देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी वहाँ से 93 सदस्य चुनकर आएंगे। इनका तो चुनाव होगा, इनका राजा जो वहाँ के महाराजा थे, राजा थे देसी रियासतों के, उन पर छोड़ दिया गया भी आप अपने मेंबर को भेज दो जी, ठीक है। और उसके बाद ही जो अपने केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, उनके 4 सदस्य चुनकर आएंगे, जो यहाँ पर केंद्र शासित जो 4 प्रदेश थे। अब टोटल कितने हो गए, 5, 4, 9, 18, यानी 389 सदस्य इस संविधान सभा के मेंबर होंगे। ये बात कही गई थी संविधान सभा के अंदर भी, संविधान सभा के 300 मेंबर थे, 389 थे, हम ये बात कर चुके हैं। वो 389 सदस्य कहाँ से आएंगे? 292 तो आएंगे प्रांतों से इलेक्शन के द्वारा, 93 आएंगे देसी रियासतों से, और 4 आएंगे जो केंद्र शासित जो हमारे यहाँ पर प्रदेश थे वहाँ से चुनकर आएंगे। और इन चारों तीनों को मिलाकर क्या बनाए गए थे, 389 मेंबर बनाए गए थे। और जो ये मेंबर थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, इन जो मुसलमान, सिख और सामान्य, यानी ये 3 प्रकार से इनका क्या बना गई थी, कैटेगरी बना दी गई थी, यानी इन 3 कैटेगरी से ये सदस्य चुनकर आएंगे। हम बात करें, ये तीनों सदस्य थे वो प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर था, ये भी पढ़ चुके हैं हम, यानी ये जनसंख्या के आधार पर, ये जो मेंबर है किसके आधार पर चुने जाएंगे, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या भी क्या, 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होना था, 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव, 10 लाख पर एक सदस्य चुनकर क्या जाएगा, संविधान सभा में जाएगा। यानी इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया था, इसको आ गया मुसलमान, सिख और सामान्य, 3 कैटेगरी बना दी गई, 389 सदस्य थे और 10 लाख पर, यानी जो वो सदस्य बनने वाले थे वो जनसंख्या के आधार पर उनका चुनाव होना था। और जनसंख्या भी कैसी, 10 लाख पर, प्रति 10 लाख पर एक मेंबर का, एक सदस्य का चुनाव करके उसको चुनकर कहाँ भेजना था, संविधान सभा में भेजना था। ये थी हमारी संविधान सभा का स्वरूप, और जिसका चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। और आपको बता दूँ, ये हमारे संविधान सभा की सबसे बड़ी आलोचना भी, अगर आपको पूछे कैसे आलोचना है, क्यों, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण वैश्विक मताधिकार पर नहीं हुआ था, वैश्विक मताधिकार पर नहीं हुआ था, बल्कि क्यों वैश्विक मताधिकार होता है, उसके अंदर जनता प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन करती है उस व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर जनता ने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया, बल्कि जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने आगे चुनाव किया था, नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इस पर चलते हैं हम, अब आती है बात, भारतीय संविधान है वो बना कैसे, संविधान कैसे बना, संविधान कैसे बना। देखो, संविधान बनाते वक्त
कैसे बना ये तो आपको पता ही है, संविधान सभा निर्माण किया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। लेकिन ये बना कैसे, देखो इसको बनाते वक्त जो वहाँ के संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी जो मेन मंशा थी वो ये थी भी जो भी हम निर्णय लें, जो भी संविधान के अंदर हम बात जोड़नी चाहें, जो भी हम संविधान के अंदर कानून या नियम सिद्धांत बनाना चाहें, वो जनता की जनसहमति होनी चाहिए। जनसहमति यानी जनता की राय ली जाए हर कानून पर, हर सिद्धांत पर। वहाँ पर वाद विवाद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कानून ऐसा ना हो कि सीधे ही निकल जाए और ऐसा कानून हो जाए जो जनता के कोई फायदेमंद ही नहीं है, तो उसका भी फायदा क्या है, जनता को नुकसान पहुंचा रहा हो। इसलिए वो प्रत्येक चीज़ जनसहमति से चलते थे और बहुमत से चलते, जो जनसहमति से नहीं होती थी उसको बहुमत से नहीं लिया जाता था। यानी जो भी कानून बनता था उसको जनता तक पहुँचाया जाता था पहले और जनता की सहमति ली जाती थी, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूँ, प्रत्येक जितने भी निर्णय थे उस पर बहुत बहस हुई थी, लेकिन एकमात्र ऐसा निर्णय था, आप याद रखना, एकमात्र ऐसा कानून बना था, ऐसा सिद्धांत बना था जिस पर बिल्कुल ही वाद विवाद नहीं हुआ था, वो क्या था वो सुन लो, वो था वैश्यक मताधिकार। वैश्यक मताधिकार वो होता है जिसमें एक निश्चित उम्र प्राप्त करने बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वोट देने का अधिकार। यानी ये एकमात्र ऐसा कानून था, ऐसा सिद्धांत था जब संविधान बनाते वक्त इस पर कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ, यानी किसी ने इसके पक्ष में गया ही नहीं। जब इसको रखा गया तो सब ने इसको पास कर दिया, हाँ बिल्कुल सही है, वैश्यक मताधिकार होना चाहिए। यानी कोई भी धर्म के दाव पर, जाति दाव पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में 18 वर्ष है वर्तमान में, 18 वर्ष प्राप्त करती चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा को, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा एक फैक्ट भी है, जो जब मूल संविधान था उसमें 21 वर्ष का वैश्यक मताधिकार था, 21 वर्ष वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता था, वोट देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में 18 है, इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इसके द्वारा जो वैश्यक मताधिकार की उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसका मतलब मूल संविधान में 21 वर्ष थी। मूल संविधान वो होता है जब संविधान बनाकर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसकी बात हो रही है, लेकिन बाद में संशोधन हुआ, वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। यानी ये वो एक ही मैटर था, इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था, बस रखा और रखते ही वो क्या हो गया, पास हो गया। इसका मतलब संविधान कैसे बना, संविधान ऐसे बना, उनके जो सदस्य थे, उनके जो मेंबर थे, उनकी एक ही मंशा थी भी हम संविधान एक जनता के लिए बना रहे हैं, हमारे भारत के लिए बना रहे हैं, तो हमें जनता की राय लेनी तो ज़रूरी है ना। जब तक जनता राय नहीं देगी, जनता उससे सहमत नहीं होगी, तब तक उस कानून बनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। यानी वो तो वैसे ही ख़राब हो जाए, अगर मान लो जनता उस पर फॉलो ही नहीं कर, जनता चलती नहीं है, फिर तो वो कानून बनाने का फ़ायदा ही क्या, जनता को फायदा ही नहीं हो रहा। इसलिए जनसहमति और वाद विवाद से क्या लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं हम, इनकी कार्यविधि कैसी थी, कार्यविधि यानी कार्य कैसे करते थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे ना, सदस्य थे संविधान सभा के, वो किस प्रकार कार्य करते थे, आपको मैं इसके अंदर सिंपल से बता देता हूँ। इसके लिए बहुत सी समितियाँ बनाई गई थी, कुछ मुख्य समिति थी, कुछ अन्य समितियाँ थी। तो यहाँ पर टोटल कार्य को रूप देने के लिए 8 मुख्य समितियों का निर्माण किया गया था, 8 मुख्य, जैसे संघ समिति का उसका अध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और सबसे ज़्यादा प्रमुख थी वो थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के टोटल सदस्य थे वो 7 थे, और 7 सदस्यों में जो एक अध्यक्ष थे वो थे अंबेडकर जी, B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर। यानी इस प्रकार 8 समितियां बनाई गई थी, उनको अलग अलग प्रकार से काम सौंपा गया था, भी प्रारूप यानी पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना था उसको। और सबसे ज़्यादा जो अंबेडकर जी थे वो बहुत ज़्यादा एक विधि वेता थे और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, इसी कारण इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर संविधान जननी अगर आपको आए इस पर कोई प्रश्न पूछे तो आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम दोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी कार्यविधि उनकी थी भी अलग अलग समितियाँ बनाई देगी और अलग अलग रूप से इनको काम सौंप दिया गया और उनको काम सौंप कर कह दिया भी इससे संबंधित जितना भी मैटर है वो आपको इकट्ठा करना और संविधान में उसको रखना है। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था,
ठीक है, ये इनको बनाने की तरीके थे। देखो डियर स्टूडेंट, हमने संविधान के बारे में पढ़ा है, संविधान के बारे में उनकी कार्यविधि, संविधान के निर्माण की विधि, संविधान सभा का निर्माण, कितने मेंबर थे, कहाँ कहाँ से चुन के आने थे, कैबिनेट मिशन, यानी हमने संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आपको क्या करना है, टोटल नोट्स वगैरह उनको बढ़िया तरीके से तैयार करना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। जैसे आप प्लस टू आगे बी ए एम ए करोगे तो संविधान ही आपको ये पक्का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कोई भी मान लो कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो भी उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अभी से नोट्स बनाना आप शुरू कर दो, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।